हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब जेंडर एक सामाजिक संरचना, जेंडर एक सामाजिक संरचना। जेंडर क्या है? जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, इसको समाज ने बनाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसका आंसर होगा कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। और सेक्स क्या है? सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब कौन लड़का पैदा हुआ या कौन लड़की पैदा हुई, ये बाद में समाज ने नहीं बनाया, बल्कि वो जन्म से ही ऐसा है, वो पैदा ही वैसा हुआ है। जो लड़की पैदा हुई है वो लड़की ही पैदा हुई है, जो लड़का पैदा हुआ वो लड़का ही पैदा हुआ, वो जन्म से ही हुआ है। तो सेक्स जो है लड़का या लड़की वो बायोलॉजिकल एंटिटी है। और जेंडर, जेंडर मतलब हुआ कि कौन क्या काम करेगा, लड़का का क्या काम है, लड़की का क्या काम है, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो याद रखना है जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना। इस पर क्वेश्चन आता है इसी तरह से कि जेंडर है एक, तो उसका आंसर है सामाजिक संरचना, समाज ने बनाया है। अब हम समझेंगे इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या हुआ? समानता, मतलब लड़का हो या लड़की हो, सब दोनों को समान अधिकार, और समान अवसर, समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। किसके लिए? लर्निंग और वर्किंग के लिए, मतलब शिक्षा पे दोनों का समान अधिकार है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, और वर्किंग के लिए भी दोनों को समान अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए। अब हम समझेंगे जेंडर रोल क्या होता है। जेंडर रोल क्या होता है? ये समाज ने बनाया है। ठीक है, समाज द्वारा बनाया गया है। जैसे कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, ये ऐसा कुछ है नहीं, ये समाज ने बनाया है। ठीक है, फुटबॉल खेलना लड़कों का काम है, बाहर से कमा कर लाना लड़कों का काम है, ये सब क्या है? समाज द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जेंडर, जेंडर रोल क्या है? समाज द्वारा बनाया गया है। लड़का का क्या काम है और लड़की का क्या काम है, ये समाज द्वारा निर्धारित किया गया है। अब बेसिस ऑफ इन इक्वेलिटीज, असमानता जो है वो किस किस आधार पर होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। असमानता किस किस आधार पर होता है? सेक्स के आधार पर होता है, एज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके आधार पर भी समाज में असमानता, और पर्सनैलिटी के आधार पर भी असमानता है। ठीक है, जेंडर रोल टाइपिंग मतलब बच्चे के दिमाग में कब से ये भर दिया जाता है कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, शुरू से ही, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्यूबर्टी और एडोलोसेंस। प्यूबर्टी जो है वो एडोलोसेंस और एडल्टहुड के बीच का एज है, जब लड़का और लड़की में परिवर्तन आना शुरू होता है, जैसे लड़के के दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं। तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ये सबसे ही बच्चे को कैसे भरा जाता है, जैसे कि कोई बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का कोई बच्चा मेल चाइल्ड है, वो अगर किसी फीमेल चाइल्ड को खिलौनों से खेलते देखेगा, किचन सेट से, अगर वो अपनी मम्मी को आकर कहेगा कि मम्मी उसके पास किचन सेट है तो मुझे भी किचन सेट चाहिए, तो उसकी मम्मी कहेगी अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम लड़के हो, वो लड़की है बेटा, इसीलिए वो किचन सेट से खेल रही है, तुम लड़के हो तुम किचन सेट से नहीं खेल सकते, तुम्हें फुटबॉल से खेलना चाहिए। तो इसी तरह से बच्चे के दिमाग में भरा जाता है कि तुम लड़के हो और तुम लड़की हो, मतलब ये चीज़ लड़कों के लिए है और ये चीज़ लड़कियों के लिए बना हुआ है। अब अगर कोई लड़की क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहेगी तो उसको घर में ही माँ बाप ही कहेंगे या स्कूल में टीचर ही कहेंगे नहीं 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 तुम लड़की हो तुम फुटबॉल मत खेलो, तुम चलो म्यूजिक में पार्टिसिपेट कर लो,
तो इसी तरह से जेंडर रोल बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है, ठीक है? जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, खास करके टीचर को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तुम लड़के हो तो तुम ये काम करो, तुम लड़की हो तो तुम ये काम करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम पिंक पहनो। किसी लड़के ने अगर पिंक कलर का पहन लिया तो अब उस पे भी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम लड़के हो तुमने पिंक पहना, ये लड़कियों वाला कलर पहन लिया, ब्लू पहनो, तुम्हें ब्लू पहनना चाहिए। इस तरह से बचपन से ही बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हारा ये काम है और तुम लड़के हो तो तुम्हारा ये काम है। नहीं तो जब बच्चा पैदा लेता है तो बायोलॉजिकली वो लड़का या लड़की होता है, लेकिन जेंडर मतलब उसको क्या काम करना है, ये जब वो पैदा लेता है तब उसको कुछ नहीं पता होता कि मुझे क्या काम करना है। ये सब उसको समाज के द्वारा, उसके माँ बाप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उसके अंदर भरा जाता है, ठीक है? तो जेंडर रोल क्या है? जेंडर रोल सोसाइटी द्वारा निर्धारित किया जाता है किसको क्या काम करना है, लड़के को क्या काम करना है, लड़की को क्या काम करना है, ये सोसाइटी द्वारा निर्धारित होता है। आप समझेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता। जेंडर को जेंडर ही याद रखना है और सेक्स को सेक्स ही, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए जेंडर को जेंडर याद रखना और सेक्स को सेक्स याद रखना है। रूढ़िवादिता मतलब, रूढ़िवादिता क्या हुआ कि पहले से चली आ रही कोई ऐसी धारणा जो सही नहीं है लेकिन उसको सही मान लिया गया है, ठीक है? पहले से चली आ रही कोई धारणा जो सही नहीं है लेकिन सही मान लिया गया है। या फिर किसी खास इमेज के साथ, इमेज के साथ किसी खास जेंडर को जोड़ देना, जोड़ कर देखना। जैसे कि ये मान लिया गया है कि फुटबॉल खेलना लड़कों का काम है, इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है? ये मान लिया गया है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है या म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना लड़कियों का काम है, तो ये ऐसा है नहीं लेकिन इसको मान लिया गया, पहले से चली आ रही धारणा है तो मान लिया गया है, इसीलिए इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। किसी खास इमेज के साथ किसी खास जेंडर को जोड़ के देखना। जैसे कि अगर नर्स कोई बोलेगा, नर्स, तो जब नर्स कोई बोलेगा तो आपके दिमाग में एक लड़की का ही पिक्चर आएगा, ठीक है? एक लड़के का पिक्चर नहीं आएगा। कोई डॉक्टर बोलेगा, टीचर बोलेगा तो आप लड़की सोचेंगे, लेकिन कोई इंजीनियर बोलेगा, कोई फुटबॉलर बोलेगा, इस तरह का चीज बोलेगा तो दिमाग में लड़के का चीज ही आएगा। तो ये किसी खास चीज को, जैसे नर्स को क्या किया गया है, फीमेल के साथ जोड़ लिया गया है, नर्स जो है वो फीमेल के साथ जोड़ दिया गया है। तो यही होता है, किसी खास इमेज को किसी खास जेंडर के साथ जोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जैसे कि अगर कोई फुटबॉलर है, फुटबॉलर, तो दिमाग में मेल ही आएगा, इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादिता समाज में चला आ रहा है। अब खाना बनाते हुए जो है हमेशा लड़की को ही दिखाया जाएगा, लड़के को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि खाना बनाना जो है वो लड़कियों का काम है, यही है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है? अब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव।
किसी भी आधार पर भेदभाव, चाहे वो लड़का के आधार पे हो या लड़की के आधार पे हो, भेदभाव। तो भेदभाव होता है कि घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, समाज में भी होता है, लड़का और लड़की के आधार पर। उसी को कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि तुम लड़की हो तो चलो तुम, अब मान लो कोई गरीब है फैमिली, उसके पास पैसा कम है तो कहेगा कि चलो कम पैसे हैं तो बस बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटी को छोड़ देते हैं। इस तरह का भेदभाव होता है, और भी बहुत तरह का। कोई कहीं कोई रोजगार की बात हो रही है तो अगर कोई मेल है या फीमेल है तो कहा जाएगा कि चलो तुम फीमेल हो तो तुम, अगर वहां पर 200 रुपये किसी लड़के मेल एम्प्लॉय को दे दिया जा रहा है तो फीमेल को 100 रुपया ही दिया जाएगा कि चलो तुम 100 रुपया में ही काम कर दो। इस तरह का भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अब है जेंडर बायस। बायस मतलब क्या होता है? पक्षपात। पक्षपात, पूर्वाग्रह भी इसको कहते हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले से दिमाग में किसी के प्रति भर लेना, ठीक है। जेंडर बायस, पक्षपात मतलब किसी भी एक तरफ में झुक जाना। अब कोई टीचर है, अगर उसके दिमाग में ये बैठ गया कि लड़की जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है या वो मतलब बुरा कर ही नहीं सकते, लड़का ही बदमाश है, लड़का ही जरूर बदमाशी किया होगा, तो ये भी क्या है, एक तरह का जेंडर बायस है। मतलब किसी के प्रति भी झुकाव, किसी भी एक जेंडर के प्रति झुकाव, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसी को कहते हैं जेंडर बायस। किसी भी जेंडर की ओर झुकाव, जैसे क्लास में कुछ हुआ, बदमाशी हुआ, कुछ हुआ, तो टीचर आके सीधा लड़कों को ही मार देंगे, पीट देंगे, कह रहे तुम ही जरूर, तुम ही बदमाशी किया होगा, लड़की लोग बदमाशी नहीं कर सकती। ये अगर विचार दिमाग में है टीचर को तो वो भी एक तरह का जेंडर बायस है कि उसने मतलब उसके दिमाग में यह पक्षपात है कि लड़की बदमाशी नहीं करेगी, लड़का ही बदमाशी करेगा। इस तरह से टीचर को किसी भी जेंडर की तरफ झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, ना लड़का के तरफ ना लड़की के तरफ। पहले से मन में नहीं बना लेना चाहिए, पहले से दिमाग में ये धारणा नहीं बना लेना चाहिए कि यह लड़का है तो जरूर इसी का गलती है या ये लड़की है तो जरूर इसी का गलती है। इस तरह का भावना दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब जेंडर स्टीरियोटाइप होता कहाँ कहाँ है? जेंडर स्टीरियोटाइप फैमिली में होता है। शुरू में बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है उसका शुरुआत ही फैमिली से होता है, पेरेंट्स को देख के ही वो सीखता है। तो बच्चा जब शुरुआत में, बच्चा जब पैदा लेता है अपने माँ बाप के पास रहता है, फैमिली के पास रहता है, तभी वो देखता है कि मम्मी खाना बना रही है और पापा जो है वो बाहर का सामान ला रहे हैं। तो उसके दिमाग में शुरू से यह बात बैठ जाता है कि खाना बनाना जो है वो मम्मी का काम है, बाहर का सामान लाना पापा का काम है। मैरिज में जेंडर स्टीरियोटाइप है कि बच्चा देख रहा है कि शादी होगा तो लड़की ही जाएगी ससुराल, लड़का नहीं आएगा ससुराल। तो उसके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप बैठ बैठ रहा है ना कि शादी अगर होना है तो लड़के को ही जाना है ससुराल, मतलब लड़कियों को ही ससुराल जाना है, लड़कों को नहीं आना है। शिक्षा में भी, शिक्षा भी इस तरह से दिया जाता है जिससे स्टीरियोटाइप होता है। अब कोई पिक्चर ही बुक में पिक्चर दिखाया जा रहा है कि किसी की मम्मी खाना बना रही है, तो इससे भी बच्चे के दिमाग में ये बैठता है कि मम्मी का ही काम है खाना बनाना। मीडिया में भी होता है, अब किसी का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रचार देना है, फेयर एंड लवली, गोरा होने का क्रीम या कुछ भी, तो उसमें दिखाएगा कि फीमेल को मतलब फीमेल का ही काम है कि गोरा हो जाओ। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब एक टीचर को क्या क्या करना चाहिए जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर भेदभाव, और जेंडर बायसनेस मतलब पक्षपात पूर्वाग्रह को कम करने के लिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहले अपने मन से जितना भी पूर्वाग्रह है, जितना भी स्टीरियोटाइप है, उसको हटा देना चाहिए। जैसे अगर उसके दिमाग में है कि लड़का रो नहीं सकता, तो ये टीचर को दिमाग से हटा देना चाहिए कि लड़का रो नहीं सकता। क्यों नहीं रो सकता? लड़का भी तो एक इंसान ही है, अगर उसको दुख है, तकलीफ है, तो वो भी रोएगा। तो टीचर के मन में पहले तो जितना भी स्टीरियोटाइप है टीचर को हटा देना चाहिए। ये हटा देना चाहिए कि लड़की है तो जरूर वो सॉफ्ट ही होगी, ये सब चीज। ये हटा देना चाहिए कि लड़का ही फुटबॉल खेल सकता है। ये हटा देना चाहिए कि लड़की मैथ नहीं सीख सकती है, लड़की म्यूजिक ही सीख सकती है, लड़की होम साइंस ही सीख सकती है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? अपने मन से सारे स्टीरियोटाइप को खत्म कर देना चाहिए।
किसी भी तरह का कोई भी स्टीरियोटाइप है उसको खत्म करना चाहिए टीचर को, ठीक है, अपने अंदर के स्टीरियोटाइप को खत्म करना चाहिए। किसी भी एक पक्ष में झुकाव नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ना ही वो लड़की के पक्ष में झुका हो ना ही लड़के के पक्ष में झुका हो, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए टीचर को। टीचर के लिए लड़का हो या लड़की हो दोनों एक समान होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, क्लास में डिस्कशन कराना चाहिए। अगर कोई लड़का लड़की का क्या रोल है, लड़का का क्या रोल है, क्या समाज में भेदभाव चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्लास में डिस्कशन कराना चाहिए। अगर कोई इस तरह का उदाहरण है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ता है, उस तरह के उदाहरण को जो है क्लास में ला के दिखाना चाहिए। जैसे कि ऑटो चलाना, ऑटो चलाना लड़कियों का काम नहीं माना जाता है, लड़के का काम माना जाता है, पर अगर कोई ऐसी औरत है समाज में जो ऑटो चलाती है तो उसको क्लास में ला के उदाहरण दिखाना चाहिए कि देखो ये फीमेल है लेकिन ऑटो चला रही। इससे क्या होगा, स्टीरियोटाइप टूटेगा, ठीक है। अब कोई ऐसी फीमेल है जैसे शकुंतला देवी जो मैथ में बहुत ज्यादा तेज है, तो उसको उदाहरण देना चाहिए कि देखो ये शकुंतला देवी एक फीमेल है लेकिन ये मैथ में कितनी स्ट्रांग है, कितनी तेज है। इस तरह के उदाहरण टीचर को देने चाहिए जिससे कि स्टीरियोटाइप खत्म हो। तो होप कि आपको ये जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट सबसे पहले याद रखना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी खास इमेज से किसी को जोड़ लेना, पहले से जो चला आ रहा है उसको सही मान लेना, जेंडर बायस मतलब किसी भी एक पक्ष के प्रति पहले से मन में कोई धारणा बना लेना, किसी भी एक पक्ष के प्रति झुकाव, तो ये सब जो है टीचर को खत्म करना है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।